की क्या सी कि मैं तुहानू भी पूर दियांगा जे दसिया किसी नू फिर फिर आप जाए ते तेरी माँ ही ना तेरे पैसे देवे ताई भी ना आखे अम्मी आए पैसे दे पूछे तब भी नहीं बताना रोटी दिंदा सी नहीं दिंदा सी रोटी दो लेंदे आज किसी को ले के खादे सी अबू नहीं सी दिंदा अबू की काम करदा है ते कपड़े सींदा जब रात को मैं आई हूँ ना तो मैं रोने लग गई खुद भी रोने लग गई मैंने कहा है अब्दुलरहमान कहता है मैंने अपने दोस्त के पास दिया मैं तुम्हें सुबह ला कर दूंगा जब मैंने सुबह कहा मुझे कहता है तुम ये भी काम कर लो ये भी कर लो फिर मैं तुम्हें ला कर दूंगा जब मैं सुबह के दिन मतलब सब काम किया ना तो मुझे खुद भी बताया कहता है तुम कौन पूछती रहोगी रोज रोज उसने मुझे तंग किया था उसे मैंने मार दिया मैंने कहा वो है कहाँ अब्दुल्ला बता रहा है कि वो तो यहाँ है बस वो मुझे भी ये यहाँ लेकर चला गया कहता है बस यही है अब्दुलरहमान मुझे बता कर फिर फरार हो गया। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। जी वालेकुम सलाम। कासिम साहब गांव का नाम बता दें। ये गांव है सतलुज के किनारे पे हसू हसन का है। ठीक है। और ये बड़ा तारीखी और पुराना गांव है। काफी ज्यादा पुराना गांव है। लोग इधर तकरीबन सालों से आबाद हैं, कई सौ सालों से। ठीक हो गया। अच्छा कासिम साहब इस गढ़े के मुतल्लिक जरा थोड़ा सा बता दें। ये गढ़ा एक बच्चे की निशानदेही पे जिसकी उम्र अब्दुल्ला है उम्र है उसकी कोई 5-6 साल उसने निशानदेही की है कि मेरा भाई इस गढ़े में सो रहा है मेरे भाई को मेरे बाबा ने कपड़ों में लपेट के इधर मट्टी के नीचे दबाया और बाबा ने हमें बताया कि आपका भाई इधर सो रहा है और आप लोगों ने किसी को बताना नहीं है ये है आज से कोई 15-20 दिन पहले की बात है यहाँ पे उसने इस बच्चे को अपने सगे बेटे को सिर्फ नींद ख़राब होने की वजह से कि वो रातों को उठ के रो रहा है और मेरी नींद ख़राब होती है उठ के उसने तो उसका गला दबाया उसको चारपाई पे पटखा है और बच्चे ने उधर ही जान दे दी है उसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसको कपड़ों में लपेटा है और लपेट के इस गड़े में 4-5 फुट गहरा खोद के ज़मीन को और यहीं उसके उसको दबा दिया मट्टी और उसके दिल में कोई खौफ नहीं आया इतने दिनों तक वो इसी जगह पे ही फिरता रहा है और इसी जगह पे ही तकरीबन 15-16 दिन यहीं रहता रहा है बिल्कुल यहीं रहता और बच्चों को भी रखा है बच्चे भी यहीं रहते तो बच्चे बोले क्यों नहीं बच्चे चूँकि उनकी वालदा मेके गई हुई थी और बच्चे बाप के पास थे उसी के ज़ेर असर थे और उसी के ही खौफ के ज़ेर असर थे उसने बच्चों को धमकाया था कि अगर आप लोग भी इसी तरह शोर करोगे अपने भाई का जिक्र किसी से करोगे तो मैं आपको भी इसी मट्टी में दबा दूँ बच्चे खौफ से सहमे हुए डरे हुए 15 दिन गुजर गए और वो अपने भाई के बिना इधर ही चुपचाप बैठे चले जी उन बच्चे को पास चलते हैं उनसे बात करते की क्या सी कि मैं तुहानू भी पूर दियांगा जे दसिया किसी नू फिर आप जाए ते तेरी माँ ही ना तेरे पैसे देवे ताई भी ना आखे अम्मी आए पैसे दे पूछे तब भी नहीं बताना रोटी दिंदा सी नहीं दिंदा सी रोटी दो लेंदे आज किसी को ले के खादे सी अबू नहीं सी दिंदा अबू की काम करदा है कपड़े सींदा जब रात को मैं आई हूँ ना तो मैं रोने लग गई खुद भी रोने लग गई मैंने कहा है अब्दुलरहमान कहता है मैंने अपने दोस्त के पास दिया मैं तुम्हें सुबह ला कर दूंगा जब मैंने सुबह कहा मुझे कहता है तुम ये भी काम कर लो ये भी कर लो फिर मैं तुम्हें ला कर दूंगा जब मैं सुबह के दिन मतलब सब काम किया ना तो मुझे खुद भी बताया कहता है तुम कौन पूछती रहोगी रोज रोज उसने मुझे तंग किया था उसे मैंने मार दिया मैंने कहा वो है कहाँ अब्दुल्ला बता रहा है कि वो तो यहाँ है बस वो मुझे भी ये यहाँ लेकर चला गया कहता है बस यही है अब्दुलरहमान मुझे बता कर फिर फरार हो गया अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बोलो बेटे बोलो क्या हाल है बेटा ठीक ठाक हो अच्छा क्या नाम है अब्दुल्ला 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 भाई किधर है छोटा भाई अबू ने मारा है अबू ने मारा है अच्छा अबू ने कैसे मारा है कैसे मारा बेटा क्या किया हेठा सट्टा है नीचे फेंका है हेठा सट्टा है अच्छा फिर मर गया भाई या बीमार हो गया था मर गया आपने देखा था कैसे देखा था पास खड़े थे अच्छा फिर उसके बाद क्या किया अबू ने पूरा क्या किया मट्टी में पूरा है पूरा है यानी कि मट्टी में फेंक दिया है पूरा है आप ये भी देख रहे थे तो आपने मना नहीं किया क्या मना कीता सी
फिर की क्या अबू ने? अबू ने कहा मैं पूर दिया हूँ निकलांदा है नहीं है। की क्या सी के मैं तो आनू भी पूर दियांगा जो दसिया किसी नू। फिर आखदा है तेरी माँ आई ना तेन पैसे देवे ताई भी ना आखी। अम्मी आए पैसे दे पूछे तब भी नहीं बताना। होर की क्या सी? और कुछ नहीं को। अबू मारदा सी है? तनु भी मारदा सी? अच्छा रोटी दिंदा सी नहीं दिंदा सी? रोटी दो लेंदा सी। किसी को ना लेके खांदे सी? अबू नहीं सी दिंदा? अबू की काम करदा है? कपड़े सींदा। कपड़े सींदा है। अच्छा केड़ी चीज नाल मारदा सी? थप्पड़ मारदा सी के डंडे नाल मारदा सी? थप्पड़। थप्पड़ मारदा सी। हुन अबू कोल रहना है कि अम्मी कोल? अम्मी कोल। अम्मी के पास रहने? भाई याद आता है? परा याद आता है? की ना सी परा दा? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। दुआ की थी भाई के लिए? दुआ की थी सी? हुन कित्थे है भाई? भाई हुन कित्थे है? जमा चा पूरा कबर बनाई है ना उदे। कबर बनाई है वहां पर है। इस बच्चे की माँ क्या कहती है, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे को मार दिया गया। गुनाह ये था कि वो बच्चा रोता था। जाहिर है छोटे बच्चे रोते हैं, तंग करते हैं, जिद करते हैं। मियाँ बीवी का ये झगड़ा था आपस का। इनके पास चलते और बात करते। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम। अच्छा मरियम कितने बच्चे हैं? चार। चार बच्चे हैं। इधर आ जाओ बेटा, इधर ऐसे। चार बच्चे हैं। बच्चियों के क्या नाम है? हर एक का नाम है हरीम फातिमा, दूसरी का नाम मनाइजा। किसने नाम रखे हैं इनके? इनके मामू ने। इनके मामू ने नाम रखे हैं। मियां बीवी का क्या झगड़ा था? बस कोई झगड़ा भी नहीं था। ये बीमार रहती थी ना, मैंने उसे बोलती थी दवाई ले दो, ये बस थोड़ी थोड़ी सी बात में वो लड़ने लग जाता था। ये झगड़ा होते होते उसने खुद ही मेरे भाई को फोन किया कि इसको ले जाओ। वो मुझे लेने आ गया और उसकी बहन ने और उसने ना बच्चे सारे पहले ही मेरे जाने से पहले ही अपनी माँ के पास लेकर चला गया था। कौन? मेरा मियाँ। अच्छा फिर उसने दिए ही नहीं, कहता तुम जाती हो तो जाओ, मैं बच्चे नहीं दूंगा। अच्छा फिर हमने लेने के लिए भी भेजे, अपने मामू को भी भेजा और उसके चाचू को भी भेजा, कहता है वो खुद आती है तो आ जाए, मैंने बच्चे नहीं देने, मार दूंगा फिर इसे दूंगा नहीं। फिर खुद मुझे मनाने की कोशिश की, दो तीन बार गया फिर मैं आ गई। जब रात को मैं आई हूँ ना तो मैं रोने लग गई, खुद भी रोने लग गई। मैंने कहा है अब्दुर्रहमान? कहता है मैंने अपने दोस्त के पास दिया, मैं तुम्हें सुबह लाकर दूंगा। जब मैंने सुबह कहा, मुझे कहता है तुम ये भी काम कर लो, ये भी कर लो, फिर मैं तुम्हें लाकर दूंगा। जब मैं सुबह के दिन मतलब सब काम किया ना तो मुझे खुद भी बताया, कहता है तुम कौन पूछती रहोगी रोज रोज। उसने मुझे तंग किया था, उसे मैंने मार दिया। मैंने कहा वो है कहाँ? अब्दुल्ला बता रहा है कि वो तो यहाँ है, बस वो मुझे भी ये यहाँ लेकर चला गया। कहता है बस यही है अब्दुर्रहमान, मुझे बताकर फिर फरार हो गया खड्डे में।